Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपराधी गुनू जी की जगह क्यों अहिल्या देवी ने अपना नाम लिया खंडेराव के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या देवी जो प्रजा की भलाई के लिए हमेशा आगे रहती है, हमेशा अपने आप को संकट में डाल लेती है जहाँ पे प्रजा की भलाई की बात होती है। अब गुनु जी जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से खंडेराव को चला रहे हैं वो सीधा सीधा सामने है अहिल्या देवी के, क्योंकि गुनु जी की हर बात को खंडेराव आंख मूंद के मान रहे हैं। अब रतलाम से इतने सारे लोग जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया है, उनकी बहुत सारी चीजें जो बहुत कीमती थी छीन ली गई है, तो इन लोगों को अहिल्या देवी ने भोज पे बुलाया है। और यहाँ पे जब सवाल उठता है कि इनकी हालत ऐसे क्यों हुई है, तो अहिल्या देवी दोषी के रूप में अपना नाम लेती है कि मैंने की है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। साथ में मैं वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरे साथ साथ आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि जब खंडेराव ने कहा कि किसने किया है ये, और अहिल्या देवी ने कहा मैंने, हो सकता है ये मैंने के आगे कुछ और सेंटेंस भी हो, ये हो सकता है क्योंकि ये टेलीविजन है और टेलीविजन में ये जो हुक पॉइंट होता है ऐसे कभी कभी लिया जाता है ताकि हमें ये क्यूरियोसिटी रहे कि हम कल ये एपिसोड देखें। तो ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। मगर दूसरी पॉसिबिलिटी जिसपे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है दोस्तों, क्योंकि खंडेराव आज तक कभी गुनु जी को दोषी नहीं मान पाए हैं, क्योंकि जब भी ऐसी चीजें होती हैं गुनु जी कुछ ना कुछ करके पतली गली से निकल लेते हैं। पिछली बार भी कागजात उन्होंने बदल दिए तब भी कुछ नहीं हुआ, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप लोग खुद गवाह हैं इस बात के, क्योंकि आपके भी कमेंट्स आते रहते हैं कि गुनु जी पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि गुनु जी कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। लोगों को खरीदना, लोगों को मार देना, ये सब चीजें गुनु जी करते हैं। मगर इस बार जो दिख रहा है वो कुछ ऐसे है दोस्तों कि अहिल्या देवी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है गुनु जी को फंसाने की। रतलाम की सीमा के अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, ऐसा गुनु जी ने कहा, सबको कहा, और खंडेराव ने इस पर मोहर लगाई है ये भी कहा, और खंडेराव ने भी हामी भरी। अब जब इतना बड़ा कांड सामने आया है, इतने लोग बेघर हुए हैं, तो पहली बात तो खंडेराव का ये सवाल ही नहीं बनता अहिल्या देवी को कि ये किया किसने है, ये सवाल तो उनका गुनु जी को ही बनता है। इसलिए अहिल्या देवी जब आगे आके कहती है मैंने, तो खंडेराव चौंकते हैं। इस मैंने के पीछे यही एक राज हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि अगर जो आपके विशेष अधिकारी हैं उन्होंने ये सब नहीं करवाया है तो मैंने ही करवाया होगा, क्योंकि खंडेराव के हिसाब से तो रतलाम में उन्हीं के विशेष अधिकारी जा सकते हैं और कड़ी पहरेदारी वहां पे की गई है। इनडायरेक्टली अहिल्या देवी यही कहना चाहती है दोस्तों, और ये बात खंडेराव को खुद जाननी चाहिए कि किसने करवाया है, बल्कि वो अहिल्या देवी से पूछ रहे कि किसने करवाया है। इतना बड़ा जल बंधक का कार्यक्रम शुरू करवा दिया छोटे सूबेदार जी ने, तो ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उसकी एक एक चीज पे नजर रखे, क्या हो रहा है, कितना धन जा रहा है, धन सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर ये सब खंडेराव नहीं कर रहे हैं, बस गुनु जी की जो भी उनकी तरफ बातें होती हैं, जो भी वो लेके आते हैं, जो भी बलि जो भी हो कुछ भी हो उनको सुनाते हैं, वो मान लेते हैं। तो इसीलिए अहिल्या देवी ने ये बात कही है कि मैंने किया है, क्योंकि अहिल्या देवी तो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती है, ये बात खंडेराव बाखूबी जानते हैं। तो अब खंडेराव आगे क्या कदम उठाते हैं, कैसे बाल की खाल निकालते हैं, ये देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि अब खंडेराव को वाकई में जागना होगा, क्योंकि गुनु जी जिस तरह से आ रहे हैं सामने वो बहुत ही गड़बड़ मामला है दोस्तों। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।